नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशंस में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पाइरूविक एसिड बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पाइरूविक एसिड बनते हैं और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है फिर वही दो पाइरूविक एसिड्स लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस में उनसे लैक्टिक एसिड बन जाता है और या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में उनसे इथाइल अल्कोहल बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर नेक्स्ट क्रिप्स साइकिल होता है। लेकिन मसला यहां पर यह है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें थ्री कार्बन कंपाउंड पाइरूविक एसिड बना हुआ है और जो क्रिप्स साइकिल है उसमें पहले से मौजूद एक कंपाउंड है ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड के पास फोर कार्बन है और इनको चाहिए टू कार्बन कंपाउंड, लेकिन यहां पे जो पाइरूविक एसिड आया हुआ है वो है थ्री कार्बन कंपाउंड। तो इस वजह से एक दूसरा रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस को लिंक रिएक्शन, वो ग्लाइकोलाइसिस को क्रिप्स साइकिल के साथ कनेक्ट करता है, वो ग्लाइकोलाइसिस को क्रिप्स साइकिल के साथ कनेक्ट करता है, इसको लिंक रिएक्शन का नाम दिया गया। लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम है स्वानसन रिएक्शन, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसको कहते हैं पाइरूविक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, पाइरूविक एसिड जो थ्री कार्बन कंपाउंड होता है इससे एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा। जब एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा तो इस कंपाउंड के पास दो कार्बन जो है वो रह जाएंगे, तो इससे क्या बनेगा, एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा। एसिटाइल ग्रुप में दो कार्बन जाएंगे। अब इसी के साथ यहाँ के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन भी निकलते हैं, वो एनएडी ले लेता है और इनसे NH2 बन जाता है इस प्रोसेस के दौरान। फिर ये कोएंजाइम ए के साथ अटैच हो जाता है, इनसे बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए इस प्रोसेस में एंटर हो सकता है क्रिप्स साइकिल में। दूसरी बात, लिंक रिएक्शन के बारे में पूछा जाए कि लिंक रिएक्शन कहां पे होता है, तो लिंक रिएक्शन याद रखें ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक ग्लूकोज के लिए कितने लिंक रिएक्शन चाहिए, दो। दो क्यों चाहिए, क्योंकि दो पाइरूविक एसिड बने थे, क्योंकि दो पाइरूविक एसिड बने थे, बारी बारी एक एक पाइरूविक एसिड इस प्रोसेस से गुजरता है। एक लिंक रिएक्शन में एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक NH2 बनता है, तो दो लिंक रिएक्शन में दो कार्बन डाइऑक्साइड और दो NH2 बनेंगे। और कोएंजाइम ए जो है वो किसी से बना हुआ है, वो डाइन्यूक्लियोटाइड और विटामिन ए से मिलकर बना होता है। अब इसके बाद फिर क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जब यहां पे एंटर हो जाता है फिर यहां पे मौजूद पहले से मौजूद ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड पाया जाता है, वो इनके साथ रिएक्शन करता है, कोएंजाइम ए वापस आ जाता है ताकि नेक्स्ट पाइरूविक एसिड एसिटाइल ग्रुप को जो है वो इस प्रोसेस में एंटर कर सके। और एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड सिट्रेट सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में इनसे सिट्रिक एसिड बन जाता है। सिट्रिक एसिड सिक्स कार्बन कंपाउंड है, इसको कन्वर्ट किया जाता है आइसोसिट्रिक एसिड एग्रोनेट एग्रोनेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। आइसोसिट्रिक एसिड सिक्स कार्बन कंपाउंड है, इनसे बन जाता है अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और यहां पे ये सिक्स कार्बन कंपाउंड है, ये फाइव कार्बन कंपाउंड, तो एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हुआ। यहां पे दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन निकल जाते हैं, एनएडी ले लेता है और NH2 बन जाता है। अल्फा केटोग्लुटारिक एसिड से बन जाएगा सिस्टीनाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ अल्फा केटोग्लुटारेट डीहाइड्रोजिनेज। ये 5 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, एक दूसरा कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन एनएडी ले लेता है और इनसे NH2 बन जाता है। सिस्टीनाइल कोएंजाइम ए जो इसको सिस्टीनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टीनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की मदद से, और थोड़ी सी एनर्जी निकलती है जिससे जीडीपी बनता है, लेकिन करंट से एनर्जी जो है वो एटीपी है, तो बाद में एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। सैक्सेनिक एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है फ्यूमैरिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सैक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज। और यहां पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और एफडी ले लेते हैं और इनसे एफडीएच2 बन जाता है। फ्यूमैरिक एसिड्स को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेस में, और यहां पे इस प्रोसेस में वाटर एंटर होता है और मैलिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड बनता है मैलिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के प्रेस में। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन क्या वो एनएडी ले लेता है और NADH2 बन जाता है। तो अब अगर हम क्रिप्स साइकिल्स की बात करें, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल,
या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या एसिडिक साइकिल भी कहा जाता है। दूसरी बात, इस क्रिप्स साइकिल प्रोसेस पे अगर हम सोचते तो एक ग्लूकोज के लिए दो क्रिप्स साइकिल होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्लूकोज से हमारे पास हमने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो पड़ा हुआ था, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, इनसे दो पाइरूविक एसिड बन जाते हैं। सो बारी बारी जो है एक एक पाइरूविक एसिड जो है अब पहले लिंक रिएक्शन से फिर क्रिप्स साइकिल से गुजरेगा, जिस वजह से एक ग्लूकोज के लिए दो क्रिप्स साइकिल्स होती है। दूसरी बात, क्रिप्स साइकिल कहां पे हो रहा है, माइटोकांड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है वहां पे प्रोसेस हो रहा है। तीसरी बात, एक क्रिप्स साइकिल से तीन एनएडीएच2 बने, 1, 2 और 3, तीन एनएडीएच2 बने, एक एनएडीएच2 बना और एक एटीपी बना और दो कार्बन डाइऑक्साइड बने। दो क्रिप्स साइकिल से बने कितने बनेंगे, 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 6 एनएडीएच2 बनेंगे, दो एफएडीएच2 बनेंगे और दो एटीपी बनेंगे। अब दूसरी बात, क्रिप्स साइकिल भी माइटोकांड्रिया में हो रहा है, लिंक रिएक्शन भी माइटोकांड्रिया में हो रहा है, तो क्रिप्स साइकिल और लिंक रिएक्शंस को अगर हम कंबाइन कर लें तो एक ग्लूकोज से माइटोकांड्रिया के अंदर क्या क्या चीजें बनी, तो एक ग्लूकोज से माइटोकांड्रिया के अंदर याद रखें इसकी दो एनएडीएच2 है और इसके 6 एनएडीएच2 है, 8 एनएडीएच2 जो है वो बने। दूसरा, कितने एफएडीएच2 बने, 2 एफएडीएच2 बने। तीसरी बात, कितने एटीपी बने, 2 एटीपी बनते हैं इस प्रोसेस में। और चौथी बात, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बने, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और 4 उसको हो गया, टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से माइटोकांड्रिया के अंदर ये प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी बात, अगर ग्लाइकोलाइसिस वाली बात ली जाए तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ग्लाइकोलाइसिस चूंकि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो है कितने एनएडीएच2 बनते हैं, वहां पे 2 एनएडीएच2 बनते हैं, कितने एटीपी बनते हैं, वहां पे टोटल 4 एटीपी बनती है। सो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस की एनएडीएच2 और एटीपी हम अगर सारे जमा करें तो कितनी एटीपी हमारे पास टोटल आ गई है, टोटल हमारे पास 6 एटीपी जो है एक ग्लूकोज से मिलकर बनी है। कितने एनएडीएच2 बनी है, टोटल हमारे पास कितने एनएडीएच2 बन गया, 10 NADH2 बने हैं, 2 NADH2 बने और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये मुकम्मल ग्लूकोज की जब डिग्रेडेशन होती है। दूसरी बात, इस तरह की एटीपी जो बन रही है किसी प्रोसेस के अंदर, जिस तरह के ग्लाइकोलाइसिस में बनी और यहां पे बनी, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन, व्हाइल द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग क्रिप्स साइकिल and during glycolysis in which one form of substrate is converted to another form of substrate, that's called is substrate level phosphorylation ya ready made ATP jo ban rahi hai. जब लाइट रिएक्शन में एटीपी बनती है उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जेन में बनती है तो उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। सो इस प्रोसेस के जरिए से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसकी डिग्रेडेशन हुई और NADH2 FADH2 कार्बन डाइऑक्साइड और ATP जो है वो बनी।